सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके लिए ये जो वीडियो लेके आया हूँ, ये है मेरा वीडियो यूजनेट और आईआरसी का। यूजनेट जिसे आप न्यूज़ ग्रुप भी बोलते हैं, वही मेरा पुराना तरीका रहेगा कि पहले मैं आपको इसके बारे में साधारण जानकारी दूँ, ताकि अगर इसके बारे में आप कहीं एक्सप्लेन करना चाहें या लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। और इसी प्रकार किसी भी प्रकार के कंपटीशन में, चाहे वो पटवारी, कांस्टेबल या कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, उसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी मैंने यहाँ नोट डाउन कराए हैं। तो पहले समझिए बात को कि यूजनेट या न्यूज ग्रुप होता क्या है। देखिए, हम लोग बहुत अधिक अगर नॉलेज रखते हैं या हमें नॉलेज प्राप्त करने की जिज्ञासा है, तब हम कुछ ऐसी जगह को तलाशते हैं जहाँ पे हमें हमारे कैटेगरी वाइज सूचनाएं उपलब्ध हो जाए। यानी कि ये हुआ कि अगर आप किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त करना चाहते हैं, तब आपको न्यूज़ ग्रुप की आवश्यकता रहेगी। यूजर नेटवर्क, यूजर का बनाया हुआ एक समूह जिसके अंदर टॉपिक वाइज, कैटेगरी वाइज सूचनाओं को रखा गया है। ये एक ऐसी नॉर्मल तकनीक है जो शुरू से ही चल रही है, जब से इंटरनेट आया हुआ है, और उसमें सभी यूजर अपनी सूचनाओं को उपलब्ध करवाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात इसे हम लोग यूजर नेटवर्क भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? यूजर नेटवर्क। दूसरी बात, ये इंटरनेशनल और नॉन कमर्शियल है। इंटरनेशनल भी है और नॉन कमर्शियल भी है, मतलब इसको बिजनेस पर्पज से उपयोग नहीं लिया जाता। इसमें विभिन्न प्रकार की साइट को कनेक्ट किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी प्रकार की साइट्स हैं वो सारी आपस में क्या होती है? कनेक्ट होती है। अब आप देखिए, इसके द्वारा हम सूचनाओं को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये ग्रुप होता है एक तरह से न्यूज़ ग्रुप का, और इसमें जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तब हम कहते हैं कि हमने हमारी सूचनाओं को पोस्ट किया है या हमने कोई आर्टिकल दिया है। जब ये सूचना हम पोस्ट करते हैं, तो हमारी इस सूचना पर विभिन्न प्रकार के डिस्कशन होते हैं, मैसेज होते हैं, तो वो एक प्रोसेस चल जाता है, जिसे हम एक यूजर से संबंधित या एक टॉपिक से संबंधित डिस्कशन चलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं थ्रेड, THREAD, थ्रेड, जो एक डिस्कशन होता है किसी भी टॉपिक पर। अगर हम कोई विशेष क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या हमें लगता है कि ये इससे संबंधित है, तब हम यूज करते हैं FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो समझिए कि यूजनेट कैसे काम कर रहा है। तो हमने हमारी सब्जेक्ट के अनुसार उसे डिवाइड कर दिया। हम मेलिंग लिस्ट भी बना सकते हैं। जी हाँ, मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेलिंग लिस्ट क्या होता है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ईमेल वाला मेरा वीडियो। ईमेल वीडियो मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से मेलिंग लिस्ट को बनाया जाता है, और हम एक साथ सभी सूचनाओं को एक मेलिंग लिस्ट पर भेज सकते हैं। देखिए, सेपरेट बाय डॉट पीरियड, मतलब आप जो भी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उसमें डॉट लगा के आप बताते हैं, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, इस तरह से। जैसे कि सबसे पहले आप ग्रुप का नाम बताएंगे, फिर आप सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, फिर टॉपिक का नाम बताएंगे। तो वापस से सुनिए, पहले आप ग्रुप का नाम बताएंगे, फिर आप सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, फिर आप टॉपिक का नाम बताएंगे। तो ये हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है। इसमें किसी भी प्रकार के क्लाइंट या सर्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई पर्टिकुलर सर्वर नहीं होता कि आपको वहां से सूचना लेना है, जैसा कि मैंने क्लाइंट सर्वर टॉपिक में आपको समझाया था। आखिर अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो मैंने आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया कि भी मेलिंग लिस्ट क्या होती है, कितने डिवाइडेशन होते हैं, जैसे कि ग्रुप में हो गया, फिर उसका सब्जेक्ट हो गया, फिर उसमें क्या होता है, टॉपिक होता है, न्यूज़ ग्रुप क्या करता है, एक्सचेंज करता है इन्फॉर्मेशन को, क्या उसमें क्लाइंट और सर्वर होते हैं, नहीं उसमें क्लाइंट और सर्वर नहीं होते हैं, और क्या ये कमर्शियल है, नहीं ये नॉन कमर्शियल है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। अब आप आगे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से ग्रुप का क्या महत्व है। तो आप समझिए, अगर आप आर्ट्स
हॉबी या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई भी सूचना लेना चाहते हैं तब आप यूज करते हैं REC। किसका यूज करते हैं? REC। अगर आपसे कोई पूछे REC क्या है तो आप बताएंगे आर्ट्स हॉबी एंटरटेनमेंट। इसी क्रम में SOC सोशल टॉपिक्स होंगे, कल्चर के होंगे, SCI साइंस का टॉपिक हो गया, COMP कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। न्यूज, आप कोई भी प्रकार की न्यूज देना चाहते हैं तो आप न्यूज के अंदर बताएंगे, कोई चैटिंग करना चाहते हैं तो आप टॉक का उपयोग लेंगे, और किसी प्रकार की कोई मिसलेनियस सूचना है तो आप MISC का यूज करेंगे। ये सारे हमारे क्या है? ग्रुप है। तो अगर क्वेश्चन बनता है ग्रुप कौन से है तो ये आपने बता दिया। इसी क्रम में जो न्यूज को प्रोवाइड कराते हैं न्यूज ग्रुप के अंदर उसे हम बोलते हैं न्यूज रीडर। क्या बोलते हैं उसे हम? न्यूज रीडर। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैंने यहां दिए हैं, जैसे नेटस्केप मैसेंजर कौन सी कम्युनिकेटर का है, आउटलुक एक्सप्रेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने प्रोवाइड किया है, फ्री एजेंट शेयरवेयर है आपका, न्यूज वाचर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक MAC। तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा वीडियो में आपको बता रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, तो आप देखकर ही इसको समझ सकते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो न्यूज रीडर 5 हो गए, नेटस्केप, आउटलुक, फ्री एजेंट, न्यूज वाचर और TIN। अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिक्स में किस प्रकार के न्यूज रीडर का उपयोग लिया जाता है तो आप क्या कहेंगे? टिन का उपयोग लिया था। किसका उपयोग लिया था? TIN। अब आप देखिए, जब हम अपनी सूचनाओं को उपलब्ध करते हैं न्यूज ग्रुप के अंदर तो हमारी आवश्यकता यह रहती है कि न्यूज ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताएंगे न्यूज ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मॉडरेट, एक होता है अनमॉडरेट। सिंपल सा फर्क है, मॉडरेटर जिसके अंदर है, बदलाव करता जिसमें है, एडमिन जिसमें है, वो जिस प्रकार के आप ग्रुप देखते भी होंगे, चाहे व्हाट्सएप में देखते हैं या कहीं और देखते हैं आप लोग, फेसबुक पे देखते हैं, तो वहां एडमिन होता है। एडमिन आपको उपलब्ध कराता है पासवर्ड, वो चेक करता है कि आपने क्या सूचना डाली है, इसके अलावा वो ये भी देखता है कि आपने जो ये सूचना डाली है इसको कोई बदलाव उस पर करना है या उस मैसेज को डिलीट करना है। जबकि अनमॉडरेट के अंदर आप सीधा उस पोस्ट को ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाते हैं, पुराने जो मैसेज है वो डिलीट हो जाते हैं। अब समझिए कि इस न्यूज ग्रुप को उपयोग लेते समय हम कौन सी एनकोडिंग टेक्निक या कौन से प्रोटोकॉल हम लोग उपयोग लेते हैं। जी हाँ, हमने सुना है प्रोटोकॉल क्या होता है, मेरे पुराने वीडियो में भी आपने देखा होगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब सुनिए प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल होता है रूल्स रेगुलेशन। मैंने एकदम आराम से आपको एक्सप्लेन किया था मेरे पिछले वीडियो के अंदर, प्रोटोकॉल रूल रेगुलेशन जिसके द्वारा हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा नेटवर्किंग वर्क इजीली हो रहा है विदाउट कोलिजन। तो यहां पर NNTP प्रोटोकॉल, अगर क्वेश्चन बनता है NNTP की फुल फॉर्म क्या है तो आप बोलेंगे नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वापस से बोलता हूं, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल NNTP कहां यूज होता है? न्यूज ग्रुप में, यूज नेट में। इसके अलावा एक मिमी प्रोटोकॉल है जो मैंने आपको ईमेल मेरे वीडियो में बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एनकोडिंग तकनीक का उपयोग लेता है। जी हां, यहां पर भी एनकोडिंग तकनीक में ही यूज हो रहा है, क्योंकि हमारा जो भी डेटा है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये जो है मिमी प्रोटोकॉल यूज में आता है। इसके अलावा ये जो कोडिंग मेथड यूज करता है उसका नाम है UUEN फॉर एनकोडिंग। ये जो मैंने आपको आज अभी बताया है ये हमारा यूजनेट है। अब हम देखते हैं कि IRC मतलब चैटिंग फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैटिंग। इसमें मैं कुछ विशेष सूचनाएं आपको उपलब्ध कराता हूं। तो जी हां, देखिए आप, IRC एक कम्युनिकेशन मेथड है, यह भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है, एक चैटिंग है और कुछ भी नहीं है, जिसे डेवलप किया गया था। अगर क्वेश्चन आए तो आप बताएंगे 1986 में डेवलप किया था। इसमें चैट के कुछ क्लाइंट होते हैं, चैट के कुछ सर्वर होते हैं। व्हाट इज चैट क्लाइंट?
चैट सर्वर, क्लाइंट और सर्वर जो मेरा वीडियो है वापस से मैं कहूँगा उसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्लाइंट और सर्वर कैसे काम करते हैं। यहाँ पर चैट क्लाइंट है। कुछ नाम अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन से IRC चैट क्लाइंट है या निम्न में से कौन से चैट क्लाइंट नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि MIRC हो गया एग्जाम्पल, ICQ फुल फॉर्म होती है ICQ, प्रिंच PRINCH प्रिंच, माइक्रोसॉफ्ट चैटिंग, नेट मीटिंग नेट मीटिंग क्या है, लोकल चैटिंग करने का तरीका, और CUCQ, ये सारे के सारे आपके चैट क्लाइंट हैं। फिर आप पूछेंगे चैट सर्वर कौन से जो ये सूचनाएं दे रहे हैं क्लाइंट को, तो चैट सर्वर तीन प्रकार के होते हैं, एक है EFNET, एक अंडरनेट, एक है डेलनेट। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, कुछ अप्रोक्सीमेट इसमें सर्वर है, नंबर ऑफ सर्वर है, जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें 100 सर्वर है, इसमें 44 है 44 और इसमें 27 सर्वर है। तो चैट क्लाइंट और सर्वर के बारे में मैंने आपको बताया। अगर कोई पूछे कि मुझे तो इंस्टेंट मैसेजिंग करना है, व्हाट इज इंस्टेंट मैसेजिंग, तो आप कहेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग 1-to-1, जो एक जना दूसरे से डायरेक्ट करता रहता है। कुछ स्माइली है, जैसे कि मैंने यहां पर स्माइली के सिंबल भी आपको बना के बताए हैं कि आप इस तरह से बनाते तो हैप्पी हो गया, सैड हो गया, सरप्राइज होना, जो हमारे फेस आते हैं कि भाई हम हैप्पी के आ रहा है तो इस तरह से हैप्पी का आता है, सैड का आता है, इस तरह से अलग अलग स्माइली अगर आप मैसेज के रूप में टाइप करके बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई निम्न में से कौन सा सैड का स्माइली है। स्माइली का कुछ डिवाइडेशन किया गया है, बेसिक, वाइडली, मिड गेट, मेगा, यूजनेट और इमोशनल। चैट के टाइप की अगर मैं बात करूं तो चैट कितने प्रकार से किया जाता है, उनके कुछ डिवाइडेशन किए गए हैं। तो पहला जो डिवाइडेशन है वो है IRC, जिसमें शामिल किया गया MIRC को, वेब बेस्ड जो ब्राउजर का उपयोग लेता है, AOL जो अमेरिका ऑनलाइन चैटिंग के लिए है, डायरेक्ट चैट में आप लोग बताएंगे ICQ और मैसेंजर को। अगर आप कॉन्फ्रेंस चैटिंग करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ में काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस चैटिंग, जिसमें CU और नेट मीटिंग को शामिल किया जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में बहुत ही अधिक जानकारी ली है, जिसमें यूजनेट या न्यूज ग्रुप या चैटिंग क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है, कितने उसके प्रकार होते हैं, ये मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से आपको यूजनेट में मैंने बताया कि मॉडरेट और अनमॉडरेट दो प्रकार के न्यूज ग्रुप होते हैं जो कि हैंडल किए जाते हैं। तो आगे के वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।